दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 6:30 और ये देखो मेरी आलू फ्राई हो चुकी है क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी सैंडविच ले जाने की मतलब लंच के लिए स्कूल में, तो सैंडविच बनाए और बच्चों का दूध हल्दी वाला वो भी हमने गर्म कर दिया क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो हल्दी वाला दूध दे देते हैं। हल्दी अदरक मतलब कंटिन्यू नहीं देते बट बीच बीच में देते रहते हैं जिससे कि सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों देख सकते हो मेरी आलू फ्राई हो गई थी बॉयल करके, तो वही इसके बाद मैं भर के इसके सैंडविच बनाना शुरू कर दूंगी। आलू फ्राई हो चुकी थी तो अब मैं ब्रेड में आलू लगा के रख ले रही हूँ, एक साथ रख लूँगी फिर मैं सेंकती जाऊँगी क्योंकि फिर बीच बीच में भरना पड़ता है तो दिक्कत होती है कई बार। तो ऐसे सब इकट्ठा जितने ले जाने हैं उस हिसाब से बना के और अपने लिए भी चाय के साथ नाश्ते के लिए बना लूँगी जिससे कि आराम हो जाएगी मुझे, और क्योंकि बच्चे तो ले जाएंगे सैंडविच तो बच्चों का तो सैंडविच हो जाएगा बट सुनील के लिए तो सब्जी चाहिए, सब्जी रोटी, तो तब तक वो अपना सब्जी काटने में लगे थे, सब्जी काट लेंगे छोंक देंगे तो, और इधर मैं बच्चों का नाश्ता तैयार कर दूंगी। गीला था तो मैं उसको सुखा रही थी स्टैंड को कि सूख जाए, पानी था ना तो फिर ब्रेड गीली हो जाती। मैंने लगा दिया घी जिससे कि ब्रेड ना चिपके और अच्छे से करारे भी बनते हैं, घी लग जाता है ना तो जब सेंको फिर तो करारे करारे से बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब ऐसे ताज़े खाने में करारे रहते हैं, ठंडे होते हैं तो ऐसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं, पर फिर भी बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं ना तो कोई बात नहीं, सॉफ्ट भी चलता है। और ये देखो दोस्तों ये बन गए थे, तो मैंने जो बन गए थे तो ये था कि एक आध खा लो क्योंकि वैसे तो दूध पी के ही जाते हैं बच्चे सुबह कुछ खाते हेलो हैं। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और होना भी चाहिए। दोस्तों हम लोग भी ठीक हैं और घर गए हुए थे शादी में, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे। तो अब हम लोग वापस आ गए हैं और वापस आके एक दो दिन दोस्तों इतना काम था, चूँकि जब घर बंद रहता है ना तो वैसे इतनी मिट्टी हो जाती है, सब चीज़ों को आके सब चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, बेडशीट वगैरह, घर के कपड़े, और जो शादी में जाते हैं ना तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ले जाने के लिए, अपने भी बच्चों के भी तो सारे कपड़े थे तो उनको धुलना रखना सुखाना बहुत काम था। तो फाइनली अब सारा कुछ हो गया है और आज सुबह थोड़ा उठने में लेट हो गए, अलार्म के भरोसे थे, अलार्म ने धोखा दे दिया तो लेट उठे, थोड़ा तो जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो तानी तासे ने कल रात में फरमाइश कर दी थी कि आज हम सैंडविच ले जाएंगे, तो फिर फटाफट आलू चढ़ाई और आज मैंने सुबह सैंडविच बनाया बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए आलू और बीन्स की सब्जी बनाई। तो दोस्तों काम करके फुर्सत हुए हैं, थोड़ा काम रहते हैं और लेट हो जाओ ना, एक काम के लिए लेट हो जाओ तो फिर आपका सारा रूटीन लेट होता चला जाता है उसी हिसाब से। तो अब नहा धो के लंच वगैरह करके फिर इसके बाद नहा चुकी हूँ, अब इसके बाद मैं लंच करके फिर बच्चों को लेने जाऊँगी स्कूल, और इसके बाद जो भी काम दिखेंगे बच्चे आएंगे फिर उसका होमवर्क कराना होता है क्योंकि तानी और तासू घर गए हुए थे शादी थी, शादी में तो खूब मज़े किए और अब चल रहे हैं एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं तानी के, तो पढ़ना भी पड़ता है और 8-10 दिन से पढ़ा नहीं तो उनको लगता है ना कि अब कैसे करें जल्दी से, क्योंकि सारे सब्जेक्ट उस टाइम रिविज़न टेस्ट चल रहे थे, हम घर पे थे, पर अब शादी भी ज़रूरी थी और
एग्ज़ाम भी ज़रूरी है तो हाफ ईयरली दे लेंगे। और देखो फाइनल एग्ज़ाम के टाइम फिर शायद हमें लड्डू खाने जाने पड़े शादी के, तो फिर वही होगा। लेकिन अब ऐसे टाइम पे हैं कि जाना पड़ेगा, और ख़ास खास शादियों तो जाना ही पड़ता दोस्तों। फिर मेरे मायके की शादी थी और ससुराल में भी शादी थी, तो करके आ गए हैं। अब इसके बाद अब सर्दियां भी शुरू हो गई, तो खैर दिसंबर जनवरी, अभी विंटर वैकेशन भी आ जाएंगी, और अब दिसंबर जनवरी तो घर पे ही रहना, क्योंकि ठंडी भी बहुत बढ़ने लगती है, तब भी दिक्कत हो जाती है, सामान वगैरह लेके जाना, कपड़े इतने हो जाते हैं। तो अब फ़िलहाल अभी हैं, और दोस्तों मैं जा रही हूँ लंच करने, और आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ लंच करने। अगर किसी को बीन्स की सब्ज़ी पसंद है, आलू बीन्स, तो आप आ जाओ, तो मैं आपको दिखाती हूँ बीन्स की सब्ज़ी। दोस्तों मैंने अपना लंच निकाल लिया है, और अब मैं जा रही हूँ लंच करने, और आलू बीन्स की सब्ज़ी मैंने आपको बताई थी बनाइए। और आजकल ये सर्दियों में ना भरवा मिर्च का मज़ा अलग ही होता है खाने में। और दोस्तों सलाद में ना जैसे मीठी सलाद मुझे बहुत पसंद है, जैसे अमरूद हो गए, गाजर हो गए, या मीठी चटनी खाने के साथ मुझे अच्छी लगती है। और ये दोस्तों इसमें रखी है आलू, सुबह की जो सैंडविच के लिए बनाई थी ना, तो समोसे वाली जैसी आलू होती है, तो तासू को बहुत पसंद, तो बोलेगा आलू बचाई मम्मी कि नहीं, तो ये वो हो गया। और दोस्तों ये पालक मेरी धुली रखी है, और दाल बच्चे वैसे खाने में रोते हैं, और दाल पालक बना दो ना तो आसानी से खा लेते हैं, तो मेरे यहाँ जब भी पालक आती है तो मैं एक बार दाल पालक ज़रूर बनाती हूँ, हमें भी अच्छी लगती है और बच्चे भी खा लेते हैं आसानी से। तो ये शाम के लिए तैयारी है दाल पालक की। तो दोस्तों अब मैं लंच करूँगी, फिर अब बच्चों को लेने जाऊँ। दोस्तों जैसे ना मीठी चटनी भी किसी किसी को बहुत अच्छी लगती है ना खाने में, सब्जी के साथ, दाल के साथ, मुझे भी अच्छी लगती है मीठी सलाद हो या मीठी चटनी, मतलब खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चटनी तो नहीं है पर मीठी सलाद, आजकल सर्दियों में गाजर भी आने लगती है, अमरूद भी आने लगते हैं, तो अच्छी लगती है सलाद में, जैसे खीरा वगैरह भी सलाद में अच्छा लगता है। तो वही अब मैं करूँगी लंच, फिर इसके बाद मुझे एटीएम भी जाना है, तो एटीएम से होते हुए थोड़ा जल्दी जाऊँगी, जिससे कि मेरे जो रास्ते के काम है आज सारे निपट जाएंगे। तो मैं फिर बच्चों को लेके आऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। दोस्तों अब मैं तैयार हो गई हूँ, बच्चों को लेने जाना है, और भी मुझे काम है, एटीएम जाना है, तो थोड़ा मैं जल्दी निकली भी हूँ जिससे कि मुझे लेट भी ना हो और काम भी हो जाए। तो अब मैं आ गई हूँ पार्किंग में, अब मैं पहले जाऊंगी एटीएम, एटीएम का काम करके फिर स्कूल जाऊंगी। और इधर तो सर्दियों में देखो कंबल वगैरह बिकने आने लगते ना, वूलन बेड शीट वगैरह। और ये जो पहला एटीएम गई तो वहाँ पे मशीन ही ख़राब थी, सबसे दिक्कत ये होती है, लगे तो हर दो कदम पे होते हैं पर किसी में पैसा नहीं होता, कोई ख़राब होता है, तो सब यही था, कोई बंद था, किसी में पैसे नहीं थे, मतलब जितने मेरे घर के आसपास एटीएम थे सब आज गड़बड़ थे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो वही मैं रुक के थोड़ी देर सोच रही थी कि अब मैं कौन से एटीएम जाऊं, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो रहा था बच्चों के, तो मैंने सोचा कि रास्ते में प्लाजा पड़ता है तो वहीं पे फिर देख लूँगी। तो अब मैं सीधा वहीं जाऊँगी, और मुझे पेट्रोल भी भरवाना था, और जब मैं पेट्रोल भरवाना था तो मैंने सोचा भरवा लेती हूँ, क्योंकि जाते हुए साइड में ही पड़ जाता है तो आपको रोड क्रॉस नहीं करनी पड़ती, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं आज थोड़ा लेट ही हो जाएगा बच्चों को तो चलेगा। और पेट्रोल जब भरवाती हूँ ना तभी मैं हवा भी चेक करवा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो कराती नहीं, जब पेट्रोल भरता है तब तब हवा भी चेक हो जाती है, तो मैंने सोचा पेट्रोल भरवाया तो हवा भी चेक करवा लेती हूँ, जिससे कि काफ़ी दिन को फुर्सत हो जाती है। और दोस्तों बाहर निकलूँ तो धूप भी होती है, चूँकि 2-2:30 बजे धूप भी होती है, डस्ट भी होती है, तो इस वजह से मैंने दुपट्टा वगैरह कस रखा था। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल, क्योंकि मैंने सोचा एटीएम में लौटते हुए जाऊंगी, क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था। और ये देखो तासु मेरा जब जाओ तो दौड़ते ही मिलता है, कभी शांति से बैठा नहीं मिलता है, तानी तो बैठी होती है एकदम शांति के साथ, बट वो कूदता ही मिलेगा, कई बार तो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है।
तो मैं बच्चों को लेके आ रही थी, ये इनकी पेंट्री है स्कूल की, जहाँ पे बच्चों को जैसे नाश्ता वगैरह खाना वगैरह जो मिलता है छोटे बच्चों को मिलता है, बड़े बच्चों को तो नहीं देते, और वैसे आपको कुछ खरीद के खाना है तो आप खा सकते हो। और ये अब हम आ गए थे प्लाज़ा लौटते हुए, मैंने सोचा क्योंकि एटीएम जाना मुझे ज़रूरी था, तो हम वहीं पे बैठे थे एटीएम में, अंदर कोई था तो मैंने सोचा निकल जाए फिर इसके बाद। वैसे तो इस जगह बहुत सारे एटीएम हैं, हर मतलब हर बैंक का एटीएम था, और तो पहले आईसीआई का था, तो मैंने सोचा कोई अंदर है तो निकल जाए फिर मैं जाऊँ, बट वो बंदा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, पता नहीं जो भी कर रहा हो अंदर, ज़्यादा काम होगा जो भी है। तो फिर मैंने सोचा फिर मैं दूसरे एटीएम में ही देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही तासु घूम रहा था, और दोपहर का टाइम होता है ना तो जनरली सब जगह शांति होती है, मतलब ज़्यादातर कोई नहीं होता, और शाम को जैसे ही शाम के 5-6 बजते हैं ना तो इन सब जगहों पे भीड़ बहुत बढ़ जाती है, तो इस टाइम 2-3 बजे मतलब सब खाली ही होता है। दोस्तों एक तरफ से सारे बैंक के एटीएम ही लगे हुए इधर। दोस्तों अब हो गई है शाम, शाम के 6 बज चुके हैं 7, अब हो रहे हैं डिनर की तैयारी। तो हम जा रहे हैं अपनी वही दाल पालक बनाने, आज बच्चे शौक से खाएंगे आज दाल पालक। तासु पसंद है ना? अब हम आ गए थे, दाल पालक पसंद है ना? और हो चुकी थी, आज बनेगा दाल पालक नहीं। और इसके बाद पानी पड़ने में लगी थी, मैंने डबल स्वेटर पहन रखी थी लेकिन उतार दी, क्योंकि ना दो स्वेटर पहन के काम नहीं होता, वैसे तो ठंडी इतनी है भी नहीं, बट है भी नहीं भी है ज्यादा, काम करते समय वैसे भी कम लगती है ठंडी तो है, पर ये कि जब काम करने लगो ना अब तो ठंडी कम लगने लगती है, तो वही उतार के अब काम पे लगेंगे। और दाल चावल रोटी बनेगी आज, और तानी अपनी पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका एग्जाम है मंडे को, मैथ का पेपर है, और तासु हमारी हेल्प करा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ तासु मेरी क्या हेल्प कर रहा है आज। देखो तासु, अरे इधर देखो तो तासु, बटर छीले में अच्छा लग रहा है ना? ठंडा ठंडा। तो तासु छील रहा है मटर, और ये सुबह की तैयारी हो रही है, क्योंकि सुबह ना सब्जी बनाना होता है तो वो काफी टाइम लगता है, इस वजह से हम अभी बना ले रहे हैं। अपने में लेट हो जाती है ना तो कई बार दिक्कत होती है, तो ऐसे मटर है तो छील जाएगा, तो सुबह अपना आलू काट लो, आलू मटर की सब्जी बनेगी तो आसानी रहेगी। तो सुबह की तैयारी तासु कर रहा है और हम अभी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो चलते हैं किचन में दाल पालक बनाने, और तासु तब तक अपना मटर छील लेगा मेरा। तानी पढ़ रही है क्योंकि मैथ है उसका, तो मैथ उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मैथ के पेपर में, तो उसी में लगी पड़ी है।
और दोस्तों ये मैं आ गई हूँ किचन में और सारा कुछ काट लिया था, प्याज टमाटर पालक वगैरह। और अब मैं बना रही हूँ दाल, और दाल मैं बनाती हूँ तो उड़द की दाल के साथ बनाती हूँ, पालक के साथ, जो बहुत अच्छी लगती है। और स्पेशली दाल और चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब दाल में पालक डाल दो ना तो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है, हेल्दी भी हो जाती है और बच्चे खा लेते। नहीं वैसे दाल बनाओ तो चिक चिक करते हैं कि नहीं खाएंगे। और दोस्तों मैंने डाल रखा है अप्रिन, मैं हमेशा खाना बनाते समय अप्रिन डाल लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं डालती ना मेरे कपड़ों का आगे का हिस्सा, पेट के पास का पूरा, कहीं आटा लगा हुआ, कहीं मसाला लगा हुआ, कहीं तेल, तो पूरे कपड़े फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं डाल ही लेती हूँ, कपड़े सुरक्षित रहते हैं। प्याज पक गया था, मैंने टमाटर डाले थे तो वही वो भी गल गए हैं। तो इसके बाद मैं दाल पालक सब कुछ डाल दूंगी, थोड़ा सा चला दूंगी और पानी डाल के। दोस्तों हमारा खाना बन गया है, ये बन गई मेरी दाल पालक और ये बन गया मेरा चावल और ये बन गई मेरी रोटियां। और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो दोस्तों डिनर हमारा रेडी हो गया और अब हम जा रहे हैं डिनर करने। और जिसे जिसे दाल पालक पसंद हो तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ खाने के लिए। और अभी 8:30 हुआ है पर अभी हम खा लेंगे, क्योंकि जल्दी खा लेंगे फिर काम, जिसको कोई फोन देखेगा, कोई पढ़ाई करेगा, कोई कुछ करेगा, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे और मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन हम ही लोगों की होती है ना कि खाना बनाना, किचन साफ करना, सब मैनेज करना, तो काफी टाइम हो जाता है। क्योंकि सुबह के लिए फिर किचन एकदम रेडी चाहिए होती है, तो सारा मैं करूंगी। तो चलते हैं दोस्तों डिनर करें।